अर्चु, खीर में काजू डाल दिए ना? हाँ, ये खीर में काजू डाल दिए और मैंने बादाम और पिस्ता दोनों डाल दिए। अरे ये सब क्या हीरे मोती भी डाल देते थे ना, इन सब से क्या होता? मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि सड़क से उठाई हुई लड़की के लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है। मंजू, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती, तू बुरा तो मत बोलो। आज के शुभ अवसर पर ऐसी कड़वाहट भरी बातें क्यों कर रही हो? मंजू भाई ने, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया कि प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं आज आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस दुनिया में बहुत लोगों को गलत फहमी कि पूर्वी मेरी सगी बेटी नहीं है तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आज मैं सबकी गलत फहमी दूर करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो, कि कभी किसी को ये मौका ना मिले कहने का कि पूर्वी मेरी सगी बेटी नहीं। पूर्वी मेरे लिए मेरी तेजू है, मेरी ओवी और मेरा सच्चू भी है, वो सब कुछ है। और इसीलिए मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चों की शादी में कभी नहीं जा पाऊंगी। शायद वो चीज मेरे नसीब में ही नहीं, इसलिए पूर्वी की शादी इतनी धूमधाम से करना चाहती हूँ। मैं उसकी शादी में अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। बलपूर्वी, तुमने नोटिस किया कि मैं कितना पंक्चुअल हो गया? तुम्हें मैंने बिल्कुल वेट नहीं कराया, बाय द वे आज बिल्कुल भी नहीं, आई वाज ऑन टाइम। अब यू वोंट बिलीव, गेस व्हाट, मैं अपने डैड के कुछ कलीग्स को एयरपोर्ट पिक करने गया था, दे वर रियली हैप्पी जब उन्हें यह पता चला कि अर्जुन किर्लोस्कर की शादी हो रही है। पर सब लोग ये जानना चाहते हैं कि दिग्विजय किर्लोस्कर की होने वाली बहू दिखती कैसी है। सो आई वॉज लाइक कि आप कल पार्टी पे आ जाइए। मैंने उन्हें पार्टी पे इनवाइट किया, मैंने कहा कि खुद ही आके देख लीजिए कैसी दिखती है। शी इज ब्यूटिफुल। पूर्वी, हे, व्हाई यू क्राइंग, रो क्यों रही हो, व्हाट हैपेंड? अर्जुन, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मैं पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ? व्हाट, किसने कह दिया तुमसे ये? अर्जुन, पता है अभी जब मैं चौल में खड़ी होकर तुम्हारा वेट कर रही थी ना, तो वहां पे कुछ और थे, वो बातें कर रही थी कि मैं सिर्फ पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी अमीरी देख के तुमसे प्यार किया। और तुमने सुन के अपना मूड खराब कर लिया। पूर्वी, वो तुम्हें जानते कितना है, मुझे कितना जानते हैं वो लोग, उन लोगों का काम है ये सब बकवास करना। अर्जुन, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी कि अब एक चौल में रहने वाली लड़की महलों की रानी बनेगी और मेरा प्लान कामयाब हो गया।